हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हमने हमारे दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया रियल नंबर क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स इनसाइड अकेडमी, वहाँ पर जाके आपको ढेर सारी वीडियो मिलेंगी चैप्टर्स की। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज हम करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले ये पता है इक्वेशन ही क्या होती है। अब हमने कल पॉलिनोमियल डिस्कस किया था ना, कि पॉलिनोमियल क्या होती है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जब भी हमने डिस्कस किया तो क्या डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या होती है, कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जब वही उसी पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं, या तो किसी दूसरी पॉलिनोमियल से, या फिर हम जीरो से इसको इक्वेट कर देते हैं, या फिर किसी कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर देते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपकी कोई भी पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ मैं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या साइन लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। जब आप किसी भी दो पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं, या फिर एक पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है फ्रेंड, पॉलिनोमियल ना होके इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाइएस्ट पावर वन हो, वो हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। जैसे ही देखिए फ्रेंड, 2y + 5 = 0 - 3z + 4 = 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने कितने वेरिएबल में इक्वेशन बनाई है, वन वेरिएबल में। अभी हम बनाते हैं टू वेरिएबल में इक्वेशन बनाते हैं। मान लीजिए आपने ये बना दी 2x + 4y = 7, ये क्या बन गई हमारी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिकॉज दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे वन है, तो क्या बन गई ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब हम पेयर की बात कर लें, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जब दो इक्वेशन ऐसी जो दोनों लीनियर हो और दोनों के वेरिएबल सेम हो, जैसे 4x यहाँ पे कर दिया मैंने, 7y = 6, अब यहाँ भी x वेरिएबल है यहाँ भी y वेरिएबल है, तो ये क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये नहीं है कि एक इक्वेशन की के तो ये हो गए मेरे 7 और दूसरी इक्वेशन के मैंने ये बना लिए 2x + 5z = 0, ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ये पेयर नहीं बनाता है, इन दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है फ्रेंड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर दो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन का अगर पेयर बना रहे हैं हम, तो दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। जनरल इसकी क्या है एक्सप्रेशन हमारी, मान लीजिए एक इक्वेशन है a1x b1y + c1 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल x और y है, और दूसरी क्या है a2x b2y + c2 = 0, ये हमारी कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, दो इक्वेशन होगी तो दो से क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच आर x एंड y। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी की बुक में 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है ये, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were। तो सबसे पहले तो कि अपनी डॉटर से बात कर रहे हैं आफ्ताब, क्या कह रहे हैं कि आई वॉज सेवन ईयर ओल्ड एज यू वर देन। जब आप उस टाइम, वो अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले जिस उम्र की तुम थी ना, उससे मैं 7 गुना ज़्यादा थी मेरी उम्र। उससे कितने गुना ज़्यादा थी, 7 times। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट आफ्ताब एज इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं ना हम, आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्स, डॉटर्स एज, डॉटर्स को हम ऐसे डिनोट कर दें डी एस से, डॉटर्स एज हम क्या है मान लीजिए वाई, तो 7 years ago क्या होगी,
7 years ago, आफ्ताब की एज क्या होगी? मैं आफ्ताब को ए से डिनोट कर देती हूँ, डॉटर को डी से. आफ्ताब की एज क्या होगी? एक्स माइनस सेवन और सेवन ईयर एगो. डॉटर्स की एज क्या हो जाएगी फ्रेंड यहाँ पे? वाई माइनस सेवन. अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है. आफ्ताब कह रहा है 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. अब 7 years है वो, उसकी डॉटर कितने साल की थी? वाई माइनस सेवन, 7 years की. और आफ्ताब कितने ईयर का था? सेवन, एक्स माइनस सेवन ईयर का. तो ये आफ्ताब कह रहा है मैं तुम्हारी एज का 7 times था. कौन था 7 times? आफ्ताब ना. ये आफ्ताब 7 times ऑलरेडी है. आफ्ताब 7 times ऑलरेडी है तो 7 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा ना. जैसे देख लीजिए, ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर है. ये आफ्ताब है, उसकी डॉटर है. ये अपनी बेटी की एज का कितने टाइम है? 7 times है. तो दोनों को इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? डॉटर को करना पड़ेगा ना, डॉटर को करना पड़ेगा. तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया. बस इसको कंपेयर कर दीजिए फ्रेंड. x माइनस सेवन, सेवन वाई माइनस 49. तो इधर ले आइए इसको, तो x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू सेवन उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस 35. इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई? यहाँ से 1 बन गई है. ठीक है, इसका हमें ग्राफ भी बनाना है, इसको आपने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है यहाँ से. अब नेक्स्ट देखिए, 3 years फ्रॉम नाउ. अब ये तो इक्वेशन बन गई, अब हमें इसका कोई यूज नहीं है. अब देखिए, 3 years फ्रॉम नाउ के बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x प्लस थ्री. और डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y प्लस थ्री. 3 years later क्या कह रहा है? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू. आफ्ताब कह रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू. मैं तुम्हारी एज का कितने टाइम हो जाऊंगा? 3 times हो जाऊंगा. एनसीईआरटी की बुक में फ्रेंड ये 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, हम 3.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, एनसीईआरटी की बुक हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे. तो देखिए, आफ्ताब कह रहा है ना अपनी डॉटर को, क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा. तो 3 times क्या हो जाएगा यहाँ से? y प्लस थ्री. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. बस करना क्या है आपने? 3y प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. यहाँ से क्या हो जाएगा? 9. तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास 2 equation निकल के आ गई हैं. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम. देखिए, इसने बोला था कि अलजेब्रिकली करो, और कैसे करो? ग्राफिकली करो. तो अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं और अलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया है. ठीक है, अब देखिए, अरे यहाँ पे सॉरी 49 में से 47 जाएगा, 42 बचेगा ना. हमने 14 इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, यहाँ से 7 2 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया था गलत से. ठीक है, तो ध्यान रखना. चलिए, अब हमारी 2 equation बन गई है. एक क्या बन गई है? दोनों को हम कर लेते हैं कैरी फॉरवर्ड. अब आपने इसका ग्राफ बनाना है. क्या बनाना है आपने? इसका ग्राफ. जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए फ्रेंड, 2 equation है, यहाँ पे राइट कर दीजिए. इज इक्वल टू माइनस 42, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए. कई बार क्या हो जाता है कि इधर उधर से सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में कई बार हो जाता है कि हम कुछ राइट कर देते हैं हल्का फुल्का इधर उधर. तो लेकिन जैसे ही ध्यान आ जाता है, हम उसको करेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हमने ये करेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स, सो डोंट वरी. ठीक है, चलिए, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा हमारा? ये हमारा x, ये हमारा y. ठीक है, अब हम इससे ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. जब हमारा x 0 होगा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. अब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? -42. क्या होगी? -42. ऐसे इसका बना लीजिए, फर्स्ट का है. अब सेकंड का बनाएंगे तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी ना. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा यहाँ से? -2. और y 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा? 6. कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ से? 6. तो हम किस किस का पेयर बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 42 हमारा लंबा जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे. ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे 5 5 का, 5 10 15 20 25 30
40, 5-5 से भी काम नहीं चल रहा है, 10-10 का बनाना पड़ेगा। या फिर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड में तो मेरी कम ही है वैल्यू, है ना, लेफ्ट साइड में है, और और हमारी कहाँ है, वाई के नीचे, तो लेफ्ट में मींस हमारी ज़्यादा है वैल्यू। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस वाई, और ये माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42 कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 10, 15 सेम बनाना है आपने, कहीं आप एक साइड 5, 10, 15 के बना दो और एक साइड 1, 2, 3, 4 के बना दो, ठीक है। अब यहाँ से 5, 10, 15, 5, 10, 15 राइट कर लेना, 5, 10, 15, 5, 10, 15 ये माइनस माइनस चलेंगे ना सारे, माइनस बिकॉज नेगेटिव है, ये माइनस फाइव, ये माइनस टेन, ये माइनस फिफ्टीन। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स जीरो है, वाई कितना है, सिक्स। एक्स जीरो कौन सी एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वाई कितना है, सिक्स, सिक्स मीन्स कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, जीरो सिक्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वाई जीरो है, एक्स कितना है, 42। वाई जीरो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स कितना है हमारा, माइनस 42, तो ये हो गया हमारा माइनस 42 जीरो। बस अब इसको मिला दीजिए आप ग्राफिकली बनाएंगे ना अच्छा बनेगा ये, तो क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक्स जीरो है, वाई माइनस टू है, एक्स जीरो वाई माइनस टू, तो माइनस टू कहीं ना कहीं यहाँ पे होएगा, है ना, तो ये क्या हो गया, जीरो माइनस टू। एक्स सिक्स है, वाई जीरो, एक्स कितना है, सिक्स, एक्स हमारा सिक्स कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यहाँ से ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो मींस ये हमारी लाइन क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ से देखा है अभी, तो ग्राफ से हमें पता चला है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कैसे हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन हुई और कैसे नहीं हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 bats and 6 balls फॉर रेट 3900 बैट्स एंड बॉल्स। एक कोच है, वो 3 bats and 6 balls लेता है, और टोटल कितने रुपीज देता है, 3900 देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट, हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स रुपीज एंड लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज। बैट की हमने क्या मान ली, एक्स रुपीज, एंड बॉल की हमने क्या मान ली, वाई रुपीज। कितनी बैट, कितनी बॉल लेता है, 3 bats, तो 3 bats की क्या हो जाएगी, 3x, और बॉल कितनी लेते हैं, 6 balls, तो 6 balls की क्या हो जाएगी, 6y, और दोनों कितने रुपीज में मिलते हैं उसको, 3900 में, कितने में मिलते हैं, 3900 में। इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई फ्रेंड, यहाँ से 1, इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी यहाँ से 1। अब सेकेंड देखिए फ्रेंड्स क्या है, लेटर शी बायस अनदर बैट, another bat and 3 more balls of the same kind for the 1300. She buys another bat. वो एक bat and 3 more balls और 3 ball कितने रुपीज में लेता है, 1300 में लेती है या लेता है, जो भी है, जो पर्सन है, शी है तो लेती है और ही है तो लेता है, ठीक है फ्रेंड। अब इन दोनों को हमने अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है तो हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट बस कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली में से देखे जो 3 common आ रहा है ना, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1300, यहाँ से इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 3, तो 2 और 3 का अब हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी बना देते हैं हम यहाँ पे 1600 का लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसका बनाते हैं, ये x, ये है वाई, x जीरो है तो y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 3 जा 9 यानी कि 433 समथिंग है ना, ठीक है, 433 समथिंग कुछ आया हमारा यहाँ से। और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी, y जीरो है तो x कितना आया, 1300 आया, कितना आया, 1300 आया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से देखिए x, y जीरो है
एक्स वाई, ये हमारा कौन ज़ीरो था यहाँ पे, दोनों ये इकट्ठे ज़ीरो कर दिए ना हमने, यहाँ पे आएगा ना ये एक्स ज़ीरो है, सॉरी गलत, दोनों इकट्ठे ही ज़ीरो कर दिए, एक्स ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू 433 यहाँ पे, और वाई ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू 1300 ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो वाई कितना आया 750, और वाई ज़ीरो है, वाई ज़ीरो तो एक्स कितना आया अपना 30। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है फ्रेंड, देखिए एक्स यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो, वाई यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो है, और एक्स यहाँ भी 1300 यहाँ भी, यानी कि एक पॉइंट तो दोनों का क्या होगा, कॉमन पॉइंट हो गया ना, यानी कि ये लाइन हमारी क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो आप अपने ग्राफ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1600 का बना लेना, चाहे 5500 का बना लेना, ये 500, ये 1000, ये 1500, ये 500, ये 1000, ये 1500 लिख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। नेगेटिव तो कोई है नहीं तो पॉजिटिव बनाएंगे, 500 1000 1500, ये 500 है, ये 1000 है, ये 1500 है, ये 500, ये 1000, ये 1500, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। बस अब हमारे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं, x0 y 433, x0 y 430 कुछ यहाँ से आएगा ना, ये पॉइंट बन गया y0 x 1300, 1300 1500 से थोड़ा सा इधर आएगा, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये लाइन हमारी बन गई, कौन से वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली कौन सी थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। नेक्स्ट वाली करेंगे तो नेक्स्ट वाली में क्या आएगा, देखिए फ्रेंड 0 750, अब x 0 है, y कितना है 750, y 750 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा ना, और x 0 y 0 x 1300 वो सेम पॉइंट, तो यानी कि ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे टच कर रही है, और वो पॉइंट हमारा क्या है 1300 एंड 0। इस तरह से आपको पहले अलजेब्रिकली बनाना है, फिर आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, अरे ऊपर वाला भी रफ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। एक दिन हमें पता चला कि 2 kgs ऑफ एप्पल, हम मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स हमने क्या मान लिया, वाई रुपीज। अब देखिए कितने kg एप्पल लिए, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, तो 2 kg मीन्स 2x, 1 kg ग्रेप्स मीन्स वाई, और कितनी कॉस्ट है 160। नेक्स्ट डे हम देखेंगे आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स क्या मिली हमें कॉस्ट, यहाँ से मिली हमें 300, क्या मिली यहाँ से 300। तो आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिकली हमने बना दिया है इसको, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये क्या बन गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ से बना 150 और वहाँ से बना हुआ है 60। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए एक्स वाई, एक्स ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू 160, और वाई ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू 80, ऐसे ही यहाँ से सोल्व कर देंगे एक्स वाई, एक्स ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू 150 और वाई ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू 75। बस बना दीजिए इसका ग्राफ, यहाँ पे मान लीजिए हमने ग्राफ बना दिया, 20-20 का ले लें, 20-40-60-80, 20-40-60-80, 20-40-60-80, 20-40-60-80, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आगे भी है ये, तो इसको रफ कर दूँ मैं, ये वाली इक्वेशन तो हमारी यूज़ हो गई है, बस इसको रफ कर दे क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है बस। अब 80 यहाँ पे हो गया 100, 120, 140, 160, अब यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 100, 120, 140, 160, ठीक है सीधा बना लेना इसको, ये स्टेप बिल्कुल, यहाँ पे 100, 120, 140 एंड 160, ये हमारी है एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है फ्रेंड्स वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स ज़ीरो वाई 160, एक्स ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो कहाँ होता है इस पर, और वाई कितना है 160, ठीक है। अब वाई ज़ीरो एक्स 80, वाई ज़ीरो है और एक्स कितना है 80, तो यहाँ पे इन दोनों को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मिला देना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए एक्स ज़ीरो वाई 150,
एक्स जीरो है, वाई कितना है 150, 150 कुछ यहाँ पे आएगा 140 और 160 के मिड में आएगा ना। नेक्स्ट देखिए एक्स वाई जीरो है और एक्स कितना है 75, वाई जीरो है और एक्स कितना 75 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा है ना, यहाँ पे कुछ आएगा। तो ये लाइन ना हमारी, अगर ये लाइन हम देखें तो ये लाइन हमारी बनेगी पैरेलल लाइन। क्या बनेगी हमारी ये लाइन? पैरेलल लाइन। ये लाइन कहीं टच ही नहीं कर रही है, ये लाइन कहीं टच ही नहीं कर रही है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी लाइन टच नहीं करती हैं आपस में, या फिर इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, तो उस केस में हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एक कुछ और थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, वो क्या है। नेक्स्ट आप ना इक्वेशन को देखते ही बता दो कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट। करेंगे हम इसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको एक बार इसका। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी दो लाइन दी हुई है, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर यहाँ से a1 वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू आता है b1 वन बाई बी टू के। अब फर्स्ट टू फैक्टर अगर आप चेक करें, यहाँ से a1 वन बाई ए टू का रेशियो और b1 वन बाई बी टू का रेशियो दोनों का नॉट इक्वल टू आता है, तो हमारी लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होंगी हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस होंगी हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, और इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किसी न किसी एक पॉइंट पे, तो वो एक पॉइंट ही उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉल्यूशन हो जाएगा। वो एक पॉइंट ही क्या हो जाएगा उसका, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल दूँ मैं, चलिए एग्जाम्पल भी दे देती हूँ साथ में। 4x plus 6y plus 7 is equal to 0. 3x plus 8y plus 9 is equal to... A1 by A2 क्या आया? 4 by 3. B1 by B2 क्या आया? 6 by 8. तो यहाँ से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, 3 और 2, 4. ये 4 by 3 तो 3 by 4 के इक्वल नहीं है ना? 4 by 3 तो 3 by 4 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये कैसी लाइन बनेंगे हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इनका कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो ज़रूर मिलेगा हमें, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर a1 वन बाई ए टू इक्वल आ जाए b1 वन बाई बी टू के, अगर a1 वन बाई ए टू इक्वल आ जाए b1 वन बाई बी टू के, और ये भी इक्वल आ जाए c1 वन बाई सी टू के, अगर तीनों का रेशो ही इक्वल आ जाए, अगर तीनों का ही रेशो इक्वल आ जाए, तो हमारी लाइंस क्या बनेगी यहाँ से? कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन बनेगी यहाँ से? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाइन बनेगी, अलग अलग लाइन नहीं बनेगी, एक ही लाइन पे बनेगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही लाइन है। एक लाइन पे कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो आप, है ना। दो लाइन होती तो दो लाइन का हमें चेक करना पड़ता कि वो कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइन एक ही लाइन के ऊपर आ रही है, तो एक लाइन के ऊपर कितने ही पॉइंट्स पे आप सॉल्यूशन निकालो। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने ये लिखा 4x, यहाँ पे लिख दिया 3y और यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरा क्या है? 8x प्लस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए फ्रेंड, a1 वन बाई ए टू क्या है? 4 बाई एट। बी वन बाई बी टू क्या है? 6, 3 बाई 6। और c1 वन बाई सी टू क्या है? 8 बाई 16। ये भी 1 बाई टू, ये भी 1 बाई टू, ये भी 1 बाई टू। तीनों का रेशो इक्वल आ रहा है, मीन्स हमारी लाइन कैसी है फ्रेंड्स? कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन लाई कर रही है, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे इसके? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे यहाँ से? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ से निकल आएंगे। थर्ड कंडीशन अब क्या आती है? थर्ड कंडीशन आती है अब कि अगर ए वन बाय ए टू एंड बी वन बाय बी टू तो इक्वल है, अगर पहले दो का रेशियो तो इक्वल है कि ए वन बाय ए टू तो b1 वन बाय बी टू के इक्वल है, लेकिन ये c1 वन बाय सी टू के इक्वल नहीं है, तो ये लाइन हमारी क्या बनेगी? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन बनेगी हमारी? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन बनेगी हमारी? पैरेलल लाइंस। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? सॉल्यूशन क्या होंगे? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन होगी। तो इट मीन्स क्या हो गया? वो कहीं भी जाके कट नहीं कर रही एक दूसरे को।
अगर एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रही है तो दो लाइंस का सॉल्यूशन तो कब निकलता है, जब वो कहीं ना कहीं टच करेंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी, जब कट करेंगी तभी तो उनका सॉल्यूशन आएगा ना। जब ये कहीं कट ही नहीं कर रही है तो इनका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था अभी एक्सरसाइज का 3.1 का, दो लाइन पैरेलल आई थी या नहीं आई थी, आई थी ना, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होएगा फ्रेंड। वहाँ पे क्या था हमारा A1 by A2 एंड B1 by B2 हमारा इक्वल चल रहा था, लेकिन C1 by C2 हमारा इक्वल नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हम करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको बेसिक बता दिया है ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है दून दो चैप्टर में या फिर इस 3.1 में कोई भी डाउट है या इन रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।